हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेरेलेक के बारे में। सेरेलेक बच्चों को कब से देना स्टार्ट करना चाहिए, कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कैसे बनाना होता है या फिर होममेड सेरेलेक कैसे बनता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जरूर से मिलेगी। तो वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, अच्छा लगे यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और वीडियोज के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। तो जैसे हम बच्चे को सॉलिड फूड देना स्टार्ट करते हैं 6 महीने के बाद, तभी से आप अपने बच्चे को सेरेलेक देना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि शुरुआत आप होममेड फूड के साथ करेंगे तो वो बेटर रहेगा, जैसे कि दाल का पानी हो गया, चावल का पानी हो गया, खिचड़ी वगैरह, दलिया या फिर फ्रूट्स की प्योरीज वगैरह, या फ्रूट को कभी स्मैश करके दे दिया तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आप वर्किंग हो या फिर आपके पास टाइम ही नहीं है या फिर आपको पता नहीं कि बच्चों के लिए फूड कैसे बनाते हैं ये वो, तो सेरेलेक आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सेरेलेक आपको बच्चों की एज के हिसाब से बाय करना होता है। जैसे आपका बच्चा 6 महीने प्लस का है तो सेरेलेक के पैकेट के ऊपर जरूर से लिखा होगा कि कितनी एज के बच्चों के लिए ये सही रहेगा, क्योंकि सेरेलेक को एक्चुअली उस तरीके से बनाया जाता है जैसे कि 6 महीने के बच्चों की बॉडी के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन जरूरी होते हैं, तो वो सारे न्यूट्रिशन उस पैकेट के अंदर होते हैं। तो उस हिसाब से आपके बच्चों की एज के हिसाब से आपको सेरेलेक बाय करना होता है। सेरेलेक बाय करते समय उसके एक्सपायरी डेट जरूर से चेक करें। सेरेलेक बनाना एक्चुअली बहुत इजी है। आपको क्या करना चाहिए, आप पानी को थोड़ा सा बॉइल कर लीजिए। पानी जब थोड़ा नॉर्मल हो जाए उसके बाद उसके अंदर आप 1 चम्मच भर के सेरेलेक या 2 चम्मच भर के सेरेलेक ऐड कर सकते हैं, जितना आपका बच्चा खा पाएगा उस हिसाब से। और कंसिस्टेंसी ज्यादा पतली या ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी होनी चाहिए, तो बच्चा अच्छे से खा पाए उस हिसाब से आपको बनाना है। आप चाहे तो और पानी या और पाउडर ऐड करके आपके बच्चों के हिसाब से इसे रेडी कर सकते हैं। तो अगर आप वर्किंग है तो आप जरूर से सेरेलेक बनाकर दे सकते हैं। सेरेलेक के एज सच कोई नुकसान नहीं होते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल ये एक पैकेज्ड फूड है और जरूर से उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, जैसे कैल्शियम हो गया या आयरन या जो भी बच्चों की बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन क्योंकि ये एक पैकेज्ड फूड है, उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसको लंबे समय तक सही रखने के लिए, उसकी क्वालिटी को खराब होने से बचाने के लिए उसके अंदर जरूर से कुछ प्रिजर्वेटिव एड होते हैं। प्रिजर्वेटिव एक केमिकल्स है जो बचपन से अगर आप अपने बच्चों की बॉडी के अंदर नहीं जाने देंगे तो वो बेटर रहेगा। तो अगर आप वर्किंग है या फिर अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं, आपके पास वहां पर कोई और ऑप्शन नहीं है बच्चों को खाने में देने के लिए, तो सेरेलेक एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन अगर आप घर पे है या फिर आपके पास टाइम है तो आप जरूर से बच्चों को होम मेड फूड ही दे। सेरेलेक का एक सबसे बड़ा नुकसान यही है कि सेरेलेक बहुत टेस्टी होता है और मोस्ट ऑफ द बच्चों को सेरेलेक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और जिन बच्चों को एक बार सेरेलेक खाने की आदत हो जाती है वो सेरेलेक के अलावा और कोई फूड खाना चाहेंगे ही नहीं। तो सेरेलेक के अंदर डेफिनेटली बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन बच्चों को एक बैलेंस डाइट देना बहुत जरूरी है। बच्चों को होममेड फूड देना भी बहुत जरूरी है, बच्चों को और टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा सिर्फ सेरेलेक ही खाता है, क्योंकि सेरेलेक थोड़ा सा मीठा होता है इसलिए बच्चों को अच्छा लगता है, तो बाकी और जो फूड जो थोड़े से सॉल्टी होते हैं या थोड़े से स्पाइसी होते हैं वो आपके बच्चे ज्यादातर नहीं खाएंगे। तो इसीलिए आपको सेरेलेक बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चे को नहीं देनी चाहिए या फिर उसकी आदत नहीं देनी चाहिए। मैक्सिमम आप वीक में 3-4 बार सेरेलेक देंगे तो बेटर रहेगा, वरना बच्चों को इसकी आदत हो जाती है और फिर वो और कोई फूड बिल्कुल खाना ही नहीं चाहते हैं। 6 महीने के प्लस के बच्चों को जरूर से आप सेरेलेक दे सकते हैं। और एक बार अगर सेरेलेक आपने बच्चे के लिए बनाया तो आधे घंटे के अंदर बच्चे को जरूर से खिला देना चाहिए। 1-2 घंटे तक अगर आपने बाहर छोड़ के रखा है फिर अगर आप बच्चे को वही सेरेलेक गर्म करके दे रहे हो तो अच्छा नहीं रहेगा। 2 घंटे के बाद अगर आपको फिर से बच्चे को खिलाना है तो नया बनाना चाहिए, वो बिल्कुल भी जो बाहर पड़ा हुआ था वो बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए। और सेरेलेक जब भी आप मार्केट से लेकर के आओ तो वो जो कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड बॉक्स जो होता है उसको आप हटा दीजिए और उसके अंदर जो सिल्वर पैकेट होता है उसी के साथ आप सेरेलेक को एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे तो ज्यादा समय तक के लिए वो अच्छा रहेगा, वरना अगर कार्डबोर्ड के अंदर ही आप छोड़ देंगे बहुत जल्दी वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसको स्टोर अच्छे से करना भी जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के लिए होममेड सेरेलेक बनाते हैं, जैसे दाल का पाउडर या चावल का पाउडर बनाकर, बहुत सारी और भी चीजें उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करके बनाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको एक क्विक इजी रेसिपी सेरेलेक की मिल जाए, होममेड सेरेलेक की मिल जाए, तो उसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है मुरमुरा। आप क्या कर सकते हो, अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हो, आपके पास सेरेलेक, अगर आप बाहर वाला पैकेट वाला सेरेलेक बच्चे को नहीं देना चाहते हो
और होममेड सेरेलेक देना चाहती हूँ और आपके पास टाइम भी नहीं है और जो सेरेलेक बनाते हैं वो सारी चीजें करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुरमुरा ले सकते हो, जो व्हाइट मुरमुरे होते हैं उसको आप अच्छे से पीस लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और उसको आप ट्रैवल करते समय ले जा सकते हैं और उसको भी सेम गर्म पानी के साथ घोल करके एज अ सेरेलेक बच्चे को दे सकते हैं। मुरमुरा एक्चुअली चावल के बने होते हैं और उससे बच्चे को कोई नुकसान भी नहीं होता और 6 महीने प्लस बच्चों के लिए आप ये मुरमुरा पाउडर वाला सेरेलेक दे सकते हैं। ट्रैवल करते समय ये बहुत इजी एंड क्विक हो जाएगा आपके लिए, तो जरूर से इसे भी ट्राई करिएगा। और अगर आप सेरेलेक बच्चे को दे ही रहे हो तो आपके बच्चों की एज के हिसाब से उसे चेंज करते रहिए, जैसे आपका बच्चा 8 मंथ प्लस का हो जाए तो उस हिसाब से ही सेरेलेक आपको बच्चों के लिए बाय करना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से रिलेटेड और वीडियोस के लिए। Thank you for watching this video. Bye-bye.